हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर स्टडी सेंटर में। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 10 का मैं डॉक्टर केसी सिन्हा एक्सरसाइज 1.3 का प्रश्न संख्या 5। पांच का सारे प्रश्नों का मैं सोल्यूशन करूंगा। इसके पहले 4 तक के सारे प्रश्नों को मैं सोल्यूशन करवा दिया हूँ। आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर एक प्ले लिस्ट बना होगा वास्तविक संख्या से, और बिल्कुल लगातार सोल्यूशन आपको मिल जाएगा सभी क्वेश्चन का। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारे वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न को सोल्यूशन किया जाए। यहाँ पे प्रश्न आपको बोल रहा है कि सिद्ध करें कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो चलिए यहाँ पे एक संख्या दिया हुआ है, 5 का फर्स्ट में कह रहा है 6+√2 जो है ये, इसको सिद्ध करके आपको लाना है कि यह अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा, आपको सॉल्यूशन लिखना होगा। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख दिया हूँ, और यहाँ पे मैं एक इसको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए कुछ मानूंगा। मानना यह है कि माना कि लिखेंगे सबसे पहले माना कि 6+√2 एक परिमेय संख्या, हमें सिद्ध करके क्या लाना है अपरिमेय। तो सिद्ध करने वाले प्रश्न में मैं अक्सर आप लोग को बोलते आ रहा हूं कि सिद्ध करने वाले प्रश्न में हम लोग अक्सर उल्टा मानते हैं, जो सिद्ध करने के लिए बोलता है उसका उल्टा मानते हैं। अगर अपरिमेय बोला तो इसे परिमेय मानेंगे। तो यहाँ पे हम क्या किए, 6+√2 क्या किए, एक परिमेय संख्या मान ली है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ क्यू का मान 0 के बराबर नहीं होता। तो यहाँ पे क्या लिखे, 6+√2 P/Q, क्यू का मान जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे इसका सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए यहाँ पे √2 को इसी प्रकार से छोड़ दिए हैं, और ये 6 जो है ये राइट हैंड साइड में भेज दिए, तो P/Q -6 हो जाएगा। आगे में देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे, यहाँ पे बटन कुछ नहीं तो 1 है, और क्यू और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्यू हो जाएगा, यहाँ पे भाग देंगे क्यू से क्यू कट जाएगा, यानी कि 1 आएगा, 1 में पी से गुना होगा तो पी आ जाएगा, बिन का घटाव है ये, 1 में क्यू से भाग देंगे तो क्यू आएगा, और क्यू में 6 से गुना होगा तो 6 क्यू हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा सोल्यूशन हुआ। यहाँ पे √2 बराबर क्या आ गया, P-6Q/Q आ गया। और आगे सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे आगे सोल्यूशन नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या आ गया, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में √2 है, √2 है, √2 हम लोग जानते हैं कि यह परिमेय संख्या होता है, और RHS में क्या आया, P-6Q/Q आया, तो इसे हम लोग जानते हैं कि ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। तो आपको रूल्स एक बताए थे कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होते है, या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपको लिखना होगा आता मेरा मानना गलत है, इसलिए 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से आप सोल्व करेंगे तो आपका पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, आप फटाक से इसे नोट कर लें, और चलिए नेक्स्ट प्रश्न का सोल्यूशन देखते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 का, तो हमें कह रहा है 5-√3 ये आपका क्या है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करके लाना। तो सबसे पहले लिखेंगे माना की, मानेंगे यहाँ पे 5-√3 एक परिमेय संख्या, उल्टा मान लेंगे। इसके बाद इसका सोल्यूशन करेंगे, 5-√3 बराबर जब परिमेय है तब P/Q मान लेंगे, और यहाँ पे क्यू का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसे आगे सोल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे P/Q है ना, तो P/Q को हम LHS में लेके आ गया, और √3 को इधर माइनस में था तो उधर भेज दिए राइट हैंड साइड में, तो प्लस में हो गया। यहाँ 5 रह गया, P/Q क्या है प्लस में है, तो लेफ्ट हैंड साइड में गया तो माइनस में हो गया, और बराबर इधर -√3 है तो इधर गया तो प्लस में हो गया। और आगे इसको क्या किए हैं, थोड़ा सा सोल्यूशन किए हैं, तो यहाँ पे बटम कुछ नहीं तो भिन्न का घटाव बना दे, बटम कुछ नहीं तो 1 है, क्यू में 1 का एलसीएम लेंगे तो क्यू हो जाएगा, यहाँ पे भाग देंगे तो क्यू आएगा, 5 क्यू हो गया, माइनस यहाँ पे क्यू से क्यू कट गया, 1 आया, 1 में पी से गुना तो क्यू आया, यानी कि 5Q-P/Q आ गया बराबर में √3 हो गया। अब इसको हम लोग जानते हैं कि √3 जो है हमारा अपरिमेय संख्या है, और 5Q-P/Q जो है ये हमारा परिमेय संख्या। हम लोग एक बात जानते हैं कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, अतः मेरा मानना जो होगा वो गलत हो गया। क्या माने थे, 5-√3 एक परिमेय संख्या, तो ये हमारा मान गलत हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, 5-√3 एक अपरिमेय संख्या, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, सबसे ज्यादा व्यूज आता है, बट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। जितना व्यू गया अगर जो आप लोग सब्सक्राइब करते तो मैं काफी आगे रहता। देखिए यहाँ पे 5 का 3 में बोल रहा है 2+√2 इसको सिद्ध करना, तो इसको सिद्ध करने के लिए मानेंगे 2+√2 एक परिमेय संख्या है, और इसे P/Q के रूप में लिख लेंगे, Q≠0, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा सोल्यूशन करेंगे तो √2 को इधर लेफ्ट हैंड साइड में ही रखेंगे, और जो 2 जो यहाँ पे है उसको इधर भेजेंगे तो प्लस में जाएगा। यहाँ बटन कुछ नहीं, इसको भिन्न का जोड़ बना लो, भिन्न का घटाओ, √2 हो जाएगा बराबर यहाँ पे P-, मतलब आपको भिन्न का तो घटाओ आता ही होगा,
क्यू और वन का एलसीएम क्यू हो जाएगा, क्यू में क्यू से भाग देंगे तो वन आएगा, वन में पी से गुना होगा तो पी आएगा, माइनस तो माइनस हो जाएगा, वन में क्यू से भाग देंगे क्यू से वन में भाग देंगे तो क्यू आएगा, क्यू में दो से गुना होगा तो दो क्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए रूट दो जो है हमारा अपरिमेय संख्या है और पी माइनस टू क्यू बाई क्यू जो हमारा ये परिमेय संख्या, तो हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता, अतः मेरा मानना गलत है, इसलिए दो प्लस रूट अंडर दो एक अपरिमेय संख्या होगा। ये भी आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट देखो पांच का चार, पांच का चार में यहाँ पे क्या कर रहा है, थ्री प्लस रूट पांच एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था। ऐसे ही मानेंगे, माना कि थ्री प्लस पांच रूट दो एक परिमेय संख्या, इसे पी बटा क्यू के रूप में लिख लेंगे और इसे सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे ऐसे ही रख देते हैं बराबर में, इसके तीन को इधर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में भेज देते तो माइनस में हो जाता है, और इसको थोड़ा सा सोल्यूशन करेंगे। जब सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा क्यू, और यहाँ पे क्यू में क्यू से भाग देंगे तो वन, पी से गुना होता है पी माइनस, यहाँ पे बट्टा में कुछ नहीं तो वन में, यहाँ पे कितना आ जाएगा क्यू, क्यू में तीन से गुना होता है थ्री क्यू हो जाएगा। अब इसको इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, जबकि हम लोग जानते हैं कि पांच रूट दो भी हमारा अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं रूट दो एक अपरिमेय संख्या, या तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। लेकिन पांच जो इधर गुना में उधर भेज देंगे तो भागा में हो जाएगा तो पांच की हो जाएगा, या तो आप यहाँ पे पांच रहने देते तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते थे रूट दो अपरिमेय संख्या, या तो पांच रूट दो एक अपरिमेय संख्या, और यहाँ पे क्या हो जाता p माइनस सिक्स क्यू बाई क्यू परिमेय संख्या, यहाँ पे पांच हटाएंगे तो यहाँ पांच आ जाएगा, यहाँ अगर हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, बात बराबर है आपका। तो यह हमारा क्या हो गया, मानना गलत हो गया, और यह हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। आता मेरा मानना गलत है, छह प्लस रूट दो एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पांच का पांच में, तो पांच का पांच आपका क्या कहता है, कह रहा है थ्री रूट अंडर रूट थ्री माइनस अंडर रूट दो, तो इसको हम लोग को सोल्यूशन करना, मान लेंगे माना कि रूट अंडर थ्री माइनस रूट अंडर टू एक परिमेय संख्या है, और इसको सोल्यूशन करेंगे पी बटा क्यू, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, पी और क्यू एक पूर्णांक है, और यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, और वर्ग करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा रूट अंडर थ्री माइनस अंडर रूट दो का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर पी बटा क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये ए माइनस बी की होल स्क्वायर पर टूट जाएगा, तो यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है, तो ए के जगह पर रूट थ्री है तो रूट थ्री का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी के जगह पर क्या है रूट टू है तो रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस टू ए बी होता है तो टू हो गया, और ए के जगह पर थ्री है तो रूट थ्री इंटू बी के जगह पर रूट टू है तो रूट टू हो जाएगा, और यहाँ पे पी का स्क्वायर पी स्क्वायर और क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर। आगे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो रूट तीन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो तीन बचेगा, यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बच गया, ये दोनों कट जाएगा, यहाँ तीन बच गया दो बच गया, तो तीनों दो जुट गया तो पांच हो गया, और यहाँ पे देखो दो माइनस है तो माइनस दो हो जाएगा, और रूट के अंदर वाला क्या होता है गुना हो जाता है, तीन गुना छह हो जाएगा तो रूट दो रूट छह हो जाएगा बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आप इसको और सोल्यूशन कर लेंगे, माइनस ये हो गया माइनस फाइव, और इसको उस साइड ले चल गए तो माइनस पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर हो गया बराबर रूट, ये ऐसे ही रहेगा। एक बार और सोल्यूशन कर लेंगे, यहाँ बट्टा में कुछ नहीं था एक आ गया, एलसीएम लेंगे तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ क्यू स्क्वायर भाग देंगे तो आएगा, अब पांच क्यू स्क्वायर हो जाएगा गुना होता माइनस, यहाँ से क्यू स्क्वायर कट गया, वन आया वन में पी स्क्वायर से गुना होता पी स्क्वायर हो जाएगा बराबर दो रूट सिक्स हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए अब हम लोग जानते हैं कि दो रूट छह जो है हमारा परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या कौन है, पांच क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर, ये हमारा परिमेय संख्या, अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं होता है, अतः मेरा मानना गलत हो गया, इसलिए लिख देंगे रूट थ्री माइनस रूट दो एक अपरिमेय संख्या। बात समझ गए, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आगे आपका छह में है रूट सात और माइनस रूट पांच को आपको सिद्ध करना, तो ऐसे ही आप लोग को क्या करना है, आप परिमेय मान लेना है और पी बटा क्यू के रूप में लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर पे टूट जाएगा, पी स्क्वायर पर पी स्क्वायर हो जाएगा, ए के जगह पे रूट सात है रूट सात का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी के जगह पे क्या है रूट पांच है तो पांच का रूट पांच का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस टू ए बी ए के जगह पे क्या है रूट सेवन और बी के जगह पे ये है, तो इसका सोल्यूशन कर लेना है, पी का स्क्वायर हो जाएगा क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिये सात स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यहाँ बचेगा सात और यहाँ स्क्वायर से रूट कट जाएगा बचेगा पांच, सात और पांच कितना हो गया बारह, और माइनस यहाँ पे दो हो जाएगा और सात बचे पैंतीस हो जाता है, रूट के अंदर वाला गुना और बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर हो गया। अब आगे थोड़ा सा सोल्यूशन करेंगे, ये उधर चला जाएगा माइनस में और ये इधर आ जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि रूट दो जो है हमारा, यहाँ पे एक बार और थोड़ा सा सोल्यूशन किया गया है, एलसीएम लिया गया, भिन्न का घटाव बना दिया गया, तो बारह क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर बराबर इतना आ गया है। अब हम लोग जानते हैं कि दो रूट पैंतीस जो हमारा अपरिमेय है और ये हमारा क्या है परिमेय है, तो अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं होता है,
देखिए यहाँ पे एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमारा अपरिमेय ही होता है, इसलिए अपरिमेय संख्या हो जाएगा और ये भी हमारा अपरिमेय संख्या सिद्ध हो गया। ठीक है, अब नहीं है हमारा दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर सॉरी नेक्स्ट 1.4 का प्रश्न संख्या 1। इसके पहले सारे प्रश्नों को मैं सोल्यूशन करवा दिया हूँ 1.3 तक के, अगर जो उन सारे वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, बिल्कुल लगातार सोल्यूशन मिल जाएगा। एक प्लेलिस्ट बना होगा रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या से, बिल्कुल लगातार सोल्यूशन मिलेगा। तो देखिये क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया ये बताएं कि नीचे दी गई परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको आपको क्या करना है, बताना है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के कि इसका दशमलव प्रसार जो होगा वह शांत होगा या अशांत होगा। पूरा 12 क्वेश्चन है दोस्तों, तो चलिए इस प्रश्न को सोल्यूशन करते हैं। प्रश्न को सोल्यूशन करने से पहले कुछ रूल्स है, उस रूल्स को समझ लेते हैं। देखिए इसका बिना लंबा प्रक्रिया किए हुए बताना है, तो बिना लंबा प्रक्रिया किए हुए कैसे बताएंगे उसको समझना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे मान के चलिए एक प्रश्न लिखा हुआ है 17/8, 17/8 ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर, अंश बट्टा हर। ठीक है, भिन्न है ये 17/8 भिन्न लिखा हुआ है, ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर। तो कह रहा है कि अगर शांत दशमलव प्रसार होता है तो कब होता है, कह रहा है शांत दशमलव प्रसार के लिए आपको क्या करना होगा, एक रूल्स याद रखना होगा, कह रहा है कि हर का अभाज्य गुणनखंड करना होगा, और हर का अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 या केवल 5 या 2 और 5 दोनों हो तो वह संख्या शांत दशमलव होगा। अगर आप हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं जिसमें केवल 2 आता है तो वह उसका दशमलव प्रसार जो होगा वह शांत होगा, या केवल 5 आता है तो उसका दशमलव प्रसार भी क्या होगा, शांत होगा, या 2 और 5 दोनों आते हैं तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, चाहे तो 2 रहे, चाहे तो 5 रहे, चाहे 2 और 5 दोनों रहे, तब उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ये रूल्स को याद रखना। अगला रूल्स हमारा क्या कहा है, अशांत दशमलव के लिए कह रहा है हर का अभाज्य गुणनखंड में, जब हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे आप तो कह रहा है उसमें 2 के अलावा 5 के अलावा या 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या हो तो वह संख्या अशांत दशमलव होगा। कह रहा है कि जब भी आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तब 2 यानी कि 2 ही होना चाहिए, 2 के अलावा जैसे 3 आ गया तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। 5 कह रहा 5 के अलावा कोई और संख्या आ गया, जैसे 5 के अलावा 7 आ गया तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। और आगे कह रहा है 2 और 5, 2 और 5 अगर दोनों हैं इसके साथ साथ कोई और संख्या जैसे आ गया मान के चलिए 7 तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। केवल 2 हो, केवल 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो तब शांत होगा, या तो फिर 2 के अलावा कोई और संख्या आ जाए, या 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाए, या 2 और 5 दोनों रहे और फिर भी कोई और संख्या आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार अशांत बताना है। बस यही आपका रूल्स है और आपका सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, इस रूल्स को याद रखें। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ, सबसे पहले आपको लिखना होगा सॉल्यूशन और प्रश्न हमारा 17/8। तो हम लोग रूल्स क्या पढ़े हैं कि आपको अभाज्य गुणनखंड करना होगा किसका, हर का। तो हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 आएगा, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं 17/2 का पावर 3। देखिए अब यहाँ पे 2 के अलावा कोई और संख्या आया है या नहीं आया, नहीं आया तो हम लोग रूल्स नंबर 1 पढ़े कि हर का अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 हो, केवल 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो देखिये हर का अभाज्य गुणनखंड में क्या है, केवल 2 है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 17/8 का अभाज्य 8 का हर में हर का सॉरी 17/8 में हर का अभाज्य गुणनखंड क्या आया है, अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 है, अतः 17/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, ठीक है, इतना आप लिख देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1/2 का रहा है, यहाँ पे आपको बताना 3/8, तो इसी तरह से 3/8 का क्या करेंगे, आभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2, यहाँ भी क्या आया 3/2 का पावर 3, यहाँ पे केवल क्या आया, 2 आया,
ठीक है। तो यहाँ पे आप बचा सकते हैं, 3/8 का हर का अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 है, अतः 3/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा, 7 होगा, लिख देंगे। नेक्स्ट आपका है 1/3 में क्या कर रहा है, 29/343 है, तो 29/343 है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 29/ क्या आएगा, 7 × 7 × 7 आएगा। तो यहाँ पे क्या आया है 29, तो ऐसे ही छोड़ देना है, 7^3 है। तो यहाँ पे बताइए क्या 2 है इसमें, क्या 5 है या इसमें, क्या 2 और 5 दोनों है इसमें, नहीं है, क्या है, 7 है, यानी कि 2 भी नहीं है 5 भी नहीं है, 2 और 5 दोनों नहीं है, तो 7 है। तो यहाँ पे क्या आप कह सकते हैं, इसका हर का अभाज्य गुणनखंड में क्या आया है, ना 2 है ना 5 है, इसके अलावा कौन और कौन संख्या आ गया, तो 7 आ गया। तो क्या ये हमारा शांत होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 और 5 होना चाहिए केवल, या 2 हो या 5 हो, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आता है 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। इतना आप लिख देंगे, आंसर आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 देखिए, 13/25 है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सबसे पहले लिखना होगा सोल्यूशन, 13 को ऐसे ही छोड़ देगा, ठीक है, 13 इसका आवाज गुणनखंड करेंगे तो 5 × 5 × 5 आएगा, यानी कि 13/5/3 आया। तो बताइए यहाँ पे 5 के अलावा कोई और संख्या आया है, नहीं आया, तो जब 5 हो, 5 के अलावा कोई और संख्या ना हो, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आता है 13/125 का दशमलव प्रसार शांत होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे केवल और केवल 5 आया है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे इसका देखते हैं 5 में 27/ क्या है, 8 है, तो 27 को ऐसे ही छोड़ देना, इसका कुछ नहीं करना, 2 × 2 × 2 हो जाएगा 8 का आवाज गुणनखंड, यानी 27/2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए केवल और केवल 2 आया है, तो यह इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, लिख दीजिएगा, अतः 27/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे केवल और केवल 2 है, क्या 2 है, हर का आवाज गुणनखंड 2 है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 6 में कर रहा है 7/80 का आवाज गुणनखंड निकालो, तो 7/80 पहले लिख लो, और उसके बाद 7/ यहाँ पे 80 का एलसीएम लगाइएगा, 80 का क्या हो जाएगा, 2 से 40 मतलब, फिर 2 से 20 मतलब, फिर 2 से 10 मतलब, फिर 2 से 5 मतलब, यानी कि 2 × 2 × 2 × 2 2 का पावर कितना हो जाएगा, 4 × 5। तो बताइए यहाँ पे केवल क्या है, हम क्या बताए थे कि 2 और 5 अगर दोनों हो तब वह शांत कहलाएगा, केवल 2 हो तो शांत होगा, केवल 5 हो तो शांत होगा, और 2 और 5 दोनों हो तो शांत होगा। तो इसका भी हमारा दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, लिखेंगे 7/80 का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों है, अतः 7/80 का अभाज्य गुणनखंड, सॉरी 7/80 का दशमलव प्रसार शांत होगा। बात समझ गए, इसका भी क्या होगा, शांत होगा। चलिए आगे देखते हैं 64/455 है, तो सबसे पहले लिखेंगे 64 और 455, तो इसका 64 को तो ऐसे ही छोड़ देना है, 455 है ना, 455 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 455 का कितना मतलब रहेगा, 5 मतलब, 9/45 और यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे लगाएंगे 7 मतलब, 13/93 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आया है, 5 × 7 × 13 आया। बताइए इसका हर का अभाज्य गुणनखंड में क्या आया है, 5 तो आल है, लेकिन 5 के अलावा क्या क्या है, 7 और 13 आया, तो क्या ये सही है, नहीं है, 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाए या 2 के अलावा कोई और संख्या आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा, यहाँ पे लिख देंगे अशांत। यहाँ पे लैंग्वेज कैसे बनाएंगे, 64/455 का हर का अभाज्य गुणनखंड में 5 के अलावा 7 और 13 है, अतः 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। बात समझ गए, चलिए आगे देखते हैं 6/15 है, तो यहाँ पे 6/15 ऐसे ही रहने दे, और 6/ यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 × 5 हो जाएगा। अब बताइए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, तो अशांत होगा, क्यों होगा अशांत, क्योंकि यहाँ का हर का अभाज्य देखिए 6/15 यानी कि 6/15 का हर का अभाज्य गुणनखंड में 5 के अलावा 3 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव हो जाएगा, क्योंकि 5 हो या तो 2 हो, चाहे 5 हो 2 दोनों हो, इसके अलावा कोई और संख्या होगा तो वह अशांत कहलाएगा। बात समझ गए, चलिए आगे देखते हैं 9 में कह रहा 35/50, तो इसका भी सोल्यूशन करेंगे, क्या करेंगे 35/50, तो 50 का हमारा अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 35 × 2 2 × 5 × 5 हो जाएगा,
बताइए 35 बटा कितना है, 2 × 5^2 है। यहाँ पे क्या आया, 2 और 5 दोनों आया है, तो क्या यह शांत होगा या शांत होगा, बिल्कुल यह शांत होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है रूल्स कि हर का भाज गुणनखंड में चाहे 2 हो चाहे 5 हो, चाहे 2 और 5 दोनों हो, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, तो यह शांत होगा। आगे देखिए 10 में क्या कहता है, 10 में कह रहा है 129 बटा ये हमारा निकाला हुआ भाज गुणनखंड किया हुआ, तो बताइए यहाँ पे इसका शांत होगा या अशांत होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 और 5 दोनों है, और इसके अलावा 7 आ गया, तो इसके अलावा 2 और 5 के अलावा अगर जो कोई और संख्या आ जाता है तो उसका दशमलव प्रसार क्या कहलाता है, अशांत कहलाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रूल्स पढ़े हैं कि केवल 2 और 5 होना चाहिए, 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या हो तो वह संख्या अशांत दशमलव प्रसार होगा, अशांत हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। चलिए लास्ट ही हमारा 1 का 12, 1 का 11 है, सॉरी एक प्रश्न और होगा इसमें, क्या कर रहा है, 2 का पावर 2 है और 5 का पावर 2 है, तो बताइए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, तो बिल्कुल शांत होगा। क्यों होगा, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड किया हुआ है हर का, और 5 का पावर 4 है, तो 5 है ना, तो हम बताए हैं कि चाहे 2 हो चाहे 5 हो, चाहे 2 और 5 दोनों हो, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, तो यह शांत हो जाएगा। बात समझ गए, कि प्रश्न संख्या 2 में कहता है निम्नांकित संख्या में जिनके दशमलव विस्तार शांत है उनके दशमलव प्रसार को लिखना है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, और कह रहा है कि इसमें से जो भी आपका इसका दशमलव प्रसार अगर जो शांत होगा तो उसका दशमलव प्रसार को लिखें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रूल से जानते हैं, रूल्स हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में भी और इस क्लास में मैं बता दे रहा हूँ, शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत दशमलव के लिए आपको क्या होगा, हर का अभाज्य गुणनखंड करना होगा, और उसमें अगर आपका अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आया है या केवल 5 आया है या 2 और 5 दोनों आया है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, दूसरा रूल से हम लोग पढ़े थे, अगर अशांत दशमलव प्रसार के लिए हम लोग पढ़े हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 के अलावा कोई और संख्या आ जाए या 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाए या 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाए तो वह संख्या अशांत दशमलव होगा। ठीक है, ये रूल्स हम लोग पढ़े थे, तो चलिए अब हम लोग प्रश्न को सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है 17/18, और इसको जांच करना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, अगर शांत रहेगा तो उसका दशमलव प्रसार भी लिखना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा, हमारा हर का अभाज्य गुणनखंड करना होगा, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे तो 2 × 2 हो जाएगा, यानी कि 17/2 आ जाएगा। तो हम लोग रूल्स पढ़े हैं कि हर का अभाज्य गुणनखंड में जब आपका 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, तो या इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका अभाज्य गुणनखंड में क्या है, 2 है, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। हम कह रहे हैं कि इसके दशमलव प्रसार को भी लिखें, तो यहाँ पे आप ऐसे कर ले 17/2 लिख लें। आप देखिए जब शांत दशमलव प्रसार होता है उसका दशमलव प्रसार लिखना होगा तो इसमें 5 भी शामिल होना चाहिए, 2 और 5 दोनों शामिल होना चाहिए, तो देखिए इसमें 2 तो शामिल है लेकिन 5 शामिल नहीं है, यहाँ पे 5 को भी शामिल करना होगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 5 का पावर 3 से गुना कर देंगे और 5 का पावर 3 से भाग कर देंगे, ऊपर नीचे दोनों क्या करना होगा, गुना करना होगा, क्योंकि फर्क नहीं पड़ेगा, 5 का पावर 3 से ये कट गया, 5 के पावर 3 से ये कट गया, यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों में क्या किए हैं, गुना कर दिए, किससे, 5 का पावर 3 से। यहाँ पे 3 क्यों लाए हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 का पावर 3 है, अगर 2 का पावर 4 रहता तो 5 का पावर 4 से गुना और भाग करते। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अंश और हर में 5 का पावर 3 से गुना करने पर, अब यहाँ पे आप गुना कर लेंगे 17 हो जाएगा, गुना 5 कर लेंगे, यानी कि 5 × 25 = 125 हो जाएगा, 125 कर ले, और नीचे में क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे आधार अलग अलग होता है, यानी कि यहाँ पे a × b हो और पावर में जो सेम हो तो आपका क्या होता है, नीचे वाला आधार गुना होता है, तो पाइथनी कितना हो जाएगा, 10 का पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 125 में क्या करें, आप 17 से गुना करें, 125 में आप 17 से गुना करेंगे तो आपका यहाँ पे कितना आएगा, जल्द आप गुना करके इसे लिख सकते हैं, चलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसका गुणनफल जो आएगा आपका, यहाँ पे गुणनफल जो आएगा 2125 आएगा, कितना आएगा, 2125 आएगा। ठीक है, और बटा में 10 का पावर 3 रहेगा। अब इसका क्या करना है, देखिए 10 का पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 2125 बटा
यानी कि ऐसे लिखा हुआ दस तीन को जीरो, एक बार तीन को जीरो। अब इसका दशमलव प्रसार लिखना है तो यहाँ पे क्या करें, सबसे पहले लिख लें जो लिखा हुआ है दो एक दो पांच लिखा हुआ है और कितना जीरो है एक दो तीन, तो तीन अंक इधर छोड़ के पॉइंट बिठा दे एक दो तीन और यहाँ पे ये आपका पॉइंट बैठ गया, तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ये आपका दशमलव प्रसार लिखा गया। इसका दशमलव प्रसार कितना आया 2.125 आया, तो ये आपका क्या हो गया आंसर आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए दो का दो में बहुत आसान है, इसका दशमलव प्रसार सबसे पहले जांच करना तो तीन बट्टा आठ हो जाएगा और यहाँ पे तीन हो जाएगा, दो गुना दो हो गया, यानी कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा दो का पावर तीन है यानी कि दो है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा। ठीक है, अब इसका शांत होगा तो इसका दशमलव प्रसार भी हमको लिखना होगा, तो दशमलव प्रसार लिखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे तीन का पावर सॉरी तीन बटा दो का पावर तीन है तो ऊपर नीचे दोनों में क्या करें पांच का पावर तीन से गुना कर दे और भाग कर दे, यहाँ पे क्या हो जाएगा दो तीन गुना क्या हो जाएगा 125 और बटा में कितना हो जाएगा पांच गुना कितना हो जाएगा 10 का पावर तीन, 125 में तीन से आप क्या करें गुना कर देते, 125 में जब तीन से आप गुना करेंगे तो कितना आएगा 375 आएगा, कितना आएगा 375 और बट्टा में कितना हो जाएगा 1000 आ जाएगा। अब इसका दशमलव प्रसार लिखना होगा तो क्या करेंगे 3 7 5 है तो इसको लिख लेंगे और क्या जो चीज है एक दो तीन, तो तीन अंक इधर छोड़ते हैं एक दो तीन और यहाँ पॉइंट बैठा दिया और इसके आगे जीरो बैठा देते हैं, आपका क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखो दो का तीन में आपका क्या है 169 है, 169 रख दें और यहाँ पे 2000 है तो 2000 इसको रख दें और यहाँ पे क्या करें इसका दशमलव प्रसार लिखे, सबसे पहले शांत है या अशांत है पहले इसको जांच करें, इसका क्या करेंगे आभाज गुणनखंड करेंगे, तो सबसे पहले इसका आभाज गुणनखंड करेंगे तो इसका जो आपका आभाज गुणनखंड जो आने वाला है ये दो का पावर चार आएगा और पांच का पावर तीन आएगा, आप करके देख सकते हैं। ठीक है, तो 169 हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे देखिए दो का पावर चार और पांच का पावर यहाँ पे कितना है थ्री है, पांच का पावर यहाँ पे तीन है, यहाँ दो का पावर कितना है चार है और पांच का पावर तीन है, तो इसको भी हमको चार बनाना होता है, क्या करेंगे यहाँ पे पांच से गुना करना होगा और ऊपर में भी आपको क्या करना होगा पांच से गुना करना होगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 169 गुना पांच और बट्टा में यहाँ पे हो जाएगा दो का पावर चार गुना पांच का पावर यहाँ पे चार हो जाएगा, यहाँ पे इसका पावर कुछ नहीं तो वन है, तो जब आधार सेम होता है तो पावर क्या होता है जुड़ता है, तो ये भी हो गया आपका। अब यहाँ पे क्या करना है 169 में क्या करना है पांच से गुना करना, तो 169 में जब आप पांच से गुना करेंगे तो आपका कितना आएगा यहाँ पे 169 में पांच से गुना कर दो 50 से, 9 5 45 के पांच हाथ में बचे चार और 6 5 30 34 के चार हाथ में बचेगा तीन और 5 का पाई तीन आठ यानी कि 845 आ गया। और बटा में यहाँ पे देखिए अब क्या पाई दूनी कितना हो जाएगा 10, 10 का पावर कितना हो जाएगा चार इक्वल टू, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 845 बट्टा चार को जीरो ही बढ़ जाएगा ना, और यहाँ पे लिख देंगे 845 और चार को यहाँ एक दो तीन और एक बार यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो बैठा दो और पॉइंट तब जीरो आएगा, तो इतना आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा 0.0845 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका देखिए ये भी आपका बहुत आसान है दो का चार में, सबसे पहले यहाँ पे 13 लिखना है और 125 इसको जांच करना कि इसका शांत है या अशांत है, तो तीन हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा पांच गुना पांच आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 13 बटा क्या हो गया पांच का पावर तीन हो गया, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हर का आवाज नियंत्रण में केवल पांच आया तो इसका शांत हो जाएगा। अब इसका दशमलव प्रसार लिखेंगे तो 3/5 का पावर तीन है तो ऊपर नीचे दोनों गुना कर देंगे कितना से पांच का पावर दो का पावर तीन से करना होगा, यहाँ पे पांच है लेकिन दो नहीं है तो दो का पावर तीन से गुना दो का पावर तीन से भाग कर आगे करो, यहाँ पे 13 हो जाएगा, दो का पावर तीन कितना हो जाएगा दो दूनी चार दूनी आठ हो जाएगा और बट्टा यहाँ पे आप पांच दूनी कितना हो जाएगा 10 का पावर यहाँ पे तीन हो जाएगा, आप 13 में 8 से गुना कर दो तो 13 में 8 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा तो 13 में 8 से जब गुना करेंगे तो 104 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 10 का पावर थ्री हो गया यानी कि इसको लिख सकते हैं 104/1000 लिख सकते हैं, इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा 0.104 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 5। 2 का 5 बहुत आसान है, सबसे पहले यहाँ पे 27 लिखेंगे और 8 लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 27/2 का पावर 3। ठीक है, और इसका दशमलव प्रसार क्या कर लेगा शांत कर लेगा क्योंकि यहाँ पे हर का आभाज गुणनखंड में केवल 2 आया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे
यहाँ पे अब आपको दशमलव पर सा लिखना होगा, तो 27/2 है और यहाँ गुना कर दो 5/3 से, ऊपर में भी कर दो 5/3 से, 2 और 5 दोनों होना चाहिए, 2/3 है तो यहाँ 5/3 से गुना करना होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 27 गुने क्या हो जाएगा 125, 5/3 मतलब 125, अब 5 × 10^3 यहाँ पे 3 हो जाएगा। 125 में आपको क्या करना होगा 27 से गुना करना होगा, 125 में जब आप 27 से गुना करेंगे आपका आएगा 3375, कितना आएगा 3375, और बट्टा में यहाँ कितना आएगा 1 1 मतलब 3 को 0 आ जाएगा। अब इसका दशमलव प्रसार लिखना होगा तो पहले 3375 लिख लें, और कै को जीरो है तो 3 को 0 है, 1 2 3 करें, इस 3 अंक छोड़ करके यहाँ पॉइंट बैठा है, यानी कि 3.375 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 7 में बहुत आसान है, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 7/80, 7/80 इसका आवाज घंटा करे 7/80 का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका आ जाएगा 2/4 × 5/1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सबसे पहले बताना कि यह शांत है या शांत है, इसमें 2 और 5 दोनों है तो यार इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा, चाहे तो केवल 2 रहे चाहे तो केवल 5 रहे, चाहे तो 2 और 5 दोनों रहे तो शांत होता है। ठीक है, अब इसका दशमलव प्रसार लिखना होगा 7/80 का, सॉरी हाँ 7/ यहाँ पे 80 का लिखना होगा, तो 7/ क्या हो जाएगा 2/4 है और गुना 5/1 है, देखिए 2/4 यहाँ पे 4 है, 5/1 है, यहाँ पे कितना इसमें गुना करना होगा, तो 5/3 से गुना करना होगा तब ये 5/4 बनेगा, तो गुना यहाँ पे हो जाएगा 5/3 और यहाँ पे हो जाएगा 7 × 5 = 25, 125, 7 × 125 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/4 × 5/4 यहाँ भी 4 हो गया, क्योंकि यहाँ पावर 1 है और 3 है, तो 3 × 1 = 4 जुड़ जाएगा। अब 125 में आप क्या करें, 125 में आप 7 से गुना कर दें, 125 में आप 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा आपका आंसर, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 875 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 875, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 875 और बट्टा यहाँ पे कितना आ जाएगा 5×10^4 आ जाएगा, इसका दशमलव प्रसार लिखेंगे तो 0.0875 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और यहाँ 0 बैठ जाएगा क्योंकि 4 अंक है ना, तो 4 अंक छोड़ कर यहाँ पे आ जाएगा 0.0875 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं 7 में, 7 में आपका क्या है 64/455 है, यहाँ पे 64/455 आपका होगा, 455 सबसे पहले इसको जांच करना है या शांत है या अशांत है, यहाँ पे आपको क्या करना होगा ऊपर ऐसे ही छोड़ दीजिए और नीचे में आइए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 455 का अगर जो आप अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 455 का अभाज्य गुणनखंड में आपका आएगा 5×7×13 ये आएगा। आप बताइए कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, तो हम क्या बताएं शांत के लिए चाहे तो केवल 2 हो चाहे तो केवल 5 हो चाहे तो 2 और 5 दोनों हो, लेकिन इसमें देखिए 5 के अलावा 7 भी आ गया 13 भी आ गया, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, तो इसका दशमलव प्रसार जो होगा अशांत होगा, क्यों, क्योंकि हर का आभाज गुणनखंड में यहाँ पे 5 के अलावा कोई और संख्या आ गया, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। चलो 8 में देखते हैं, 8 में यहाँ पे क्या कह रहा है, 8 में यहाँ पे 6/15 है तो 6 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 नहीं होगा यहाँ पे 3×5 होगा, क्या होगा 3×5 होगा, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा वो देखिए, यहाँ पे देखिए इसका दशमलव प्रसार सबसे पहले ये बताइए कि शांत होगा या अशांत होगा, 6/15 है ना, तो यहाँ पे आपका दशमलव प्रसार जो आएगा ये दशमलव प्रसार इसका शांत होगा, क्योंकि ऊपर में देखो 2×3 हो जाता है और बट्टा में 3×5 हो जाता है, तो 3 से 3 ही घट गया, ऊपर में बचा 2/5 यानी कि 2/5 इसका दशमलव प्रसार जो होगा आपका शांत होगा और इसका लिखना होगा तो 2×5 हो गया और यहाँ पे गुना करना होगा 2 से यहाँ पे और ऊपर में भी 2 से, तो आपका आ जाएगा 4/10, 10^1 यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 0.4, कितना जाएगा 0.4, ये आपका आंसर हो गया, बात समझ गए। चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 35/50 है, यहाँ पे इसको सोल्यूशन करो 35/50 को, तो सबसे पहले यहाँ पे 35 हो जाएगा और 50 हो जाएगा, ऊपर का भी आप कर सकते हैं 7×5 कर लो और नीचे में कर लो 50 का क्या हो जाएगा, 50 का हो जाएगा 2×5×5 25 125 125, तो ये और ये कट गया और यहाँ पे बच जाएगा 7/2×5 हो जाएगा,
इसका दशमलव प्रसार तो सबसे पहले शांत होगा, दशमलव प्रसार यहाँ पे लिखना होगा तो यहाँ पे 0.7 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो सात ऊपर में और नीचे हो जाएगा 10, फाइनल में 10, दो और पांच दो ना, दोनों को पावर सेम है तो 10 आ जाएगा, तो इसका दशमलव प्रसार कितना जाएगा? इतना आ जाएगा। अब चलो आगे देखते हैं 10 में, 10 में देखो 129 और ये है 129 का आपका क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले लिखो सोल्यूशन, यहाँ पे आप हर मिनटन किया हुआ है तो सबसे पहले बताना है 129 बटा 2 का पावर 2 गुना 5 का पावर 7 गुना 7 का पावर 5 है, तो ये आपका इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा बताइए। तो हर का भाग मिलकर जब यहाँ किया हुआ है तो यहाँ 2 और 5 दोनों तो है लेकिन इसके अलावा एक और है जो संख्या 7 है, तो 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाता है तो वह उसका दशमलव प्रसार क्या होता है? अशांत होता है। इसका क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। तो यह हमारा इतना ही हो जाएगा। और आगे देखिए 11 में आपका क्या होगा, 11 में आपको यहाँ पे निकालना होगा, चलिए 11 के यहाँ पे निकालेंगे, सबसे पहले 2 का पावर 2 है और 7, 5 का पावर 4 है, यहाँ पे 2 का पावर 2 गुना 7 और बटा 5 का पावर 4 है, इसका क्या करना होगा? ये भी हमारा शांत हो जाएगा क्योंकि हर का भाग गुणनखंड नहीं आया है, तो इसका शांत लिखना होगा, 2 का पावर 2 गुना 7 बट्टा 5 हो जाएगा, 5 का पावर 4 गुना 2 का पावर 4 से ऊपर और 2 का पावर 4 से नीचे, दोनों में करना होगा, 2 का पावर 2 गुना 7 गुने क्या हो जाएगा? 2 का पावर 4 हो जाएगा और बट्टा में 5 गुने 10 का पावर 4 हो जाएगा। इसको आप गुना कर दीजिए फटाक से और इसका आंसर लिख दीजिए। इसको जब आप गुना करेंगे तो कितना आएगा? इसको गुना करेंगे तो आएगा आपका 448, कितना आएगा? 448 और बट्टा में यहाँ पे हो जाएगा 4 गो 0, और इसका आप निकालेंगे तो 0.0448 आएगा, ये आपका दशमलव प्रसार आएगा। अब आगे इसका लास्ट है, अगर आपको वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 29 बटा कितना है? 243 है, तो 29 हो जाएगा बट्टा 243 हो जाएगा। अब 243 का आप क्या करें? आप भाग गुणनखंड करें, तो 243 का जब आप भाग गुणनखंड करिएगा तो इसका अभाज्य गुणनखंड आपका आएगा 3 का पावर 5 आएगा, कितना आएगा? 3 का पावर 5, 3 गुने 3 गुने 3 मतलब 3 का पावर 5 आएगा। तो इसमें ना तो 2 है और ना ही 5 है, इसका दशमलव प्रसार जो होगा वह आसान क्या होगा? आसान हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का सारे प्रश्नों का मैं सॉल्यूशन करवा दिया हूँ। अगर आपको वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए समाप्त करें, थैंक यू सो मच मिस्टर।